खुरिया वन परिक्षेत्र में नहीं थम रहे वन भूमि पर अतिक्रमण, अलग अलग स्थानों से अतिक्रमण और मारपीट का आ रहे हैं अनेकों मामले। खुरिया वन परिक्षेत्र के साथ अब एटीआर में अतिक्रमण का दौर जोरों से फलने फूलने लगा है, जिसे छुड़ाने में प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खुरिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग गांव से वन भूमि पर अतिक्रमण एवं मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दर्जनों गांव वन भूमि पर कब्जा तो कर रहे हैं, साथ ही पट्टाधारी किसानों के जमीन पर भी कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों के बीच अतिक्रमण कर हल चलाने को लेकर विवाद के साथ मारपीट भी हो रहे हैं, जिसे सुलझाने में प्रशासन को काफी मशक्कत के साथ पसीने बहाने पड़ रहे हैं। यहाँ पे बता दें, खुरिया वन परिक्षेत्र के कारी डोगरी, झलरी, चचेडी, कंसरी, झिरिया, सुलगी, महू माचा, पर्रा पथरा सहित अब अचान कमा टाइगर रिजर्व के सुरही रेंज आरएफ 447 अंतर्गत महामाई बाबू टोला जमुनाही में भी अतिक्रमण की आग सुलगने लगी है। अतिक्रमणधारियों ने खेती किसानी करने के लिए बेसकीमती इमारती लकड़ियों की बलि चढ़ाकर शासन को लाखों की क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसे रोकथाम करने लगातार प्रशासन के संयुक्त टीम गांव में जाकर ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं, फिर भी लोग बेखौफ कब्जा करने पर तुले हुए हैं। जहां आज फिर राजस्व पुलिस प्रशासन एवं एनटीआर के संयुक्त टीम ने महामाई और बाबू टोला के ग्रामीणों को समझाइश देने संयुक्त टीम के आला अधिकारी लोरमी एसडीएम गिरधारी लाल यादव, पुलिस डीएसपी माधुरी घिरही, सुरही वन परिक्षेत्र अधिकारी विक्रांत सिंह के संयुक्त टीम गांव पहुंचे थे, जहां लोगों को समझाया गया कि अतिक्रमण ना करें, वन जीव और हरे भरे पेड़ों की रखवाली में सहयोग करने की अपील ग्रामीणों से किया गया। वहीं अतिक्रमण मामले में सलगी और झिरिया के लोग मारपीट मामले में महिला पुरुष सहित सैकड़ों बेगा आदिवासी लोग खुरिया चौकी पहुंचे, जहां झिरिया आदिवासियों ने वन भूमि में किए गए अतिक्रमण में पट्टा दिए जाने की मांग किए है, जिसे चौकी प्रभारी सत्येंद्र वैष्णव ने शालीनता पूर्वक ग्रामीणों को समझाइश देकर मामले को शांत किया। तो लखन सिंह गोर नाम का अपना सलगी का रहने वाला आदमी है, उनका आके रिपोर्ट लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सलगी और महुआ माचा का जो एक 468 कक्ष क्रमांक 468 का वन भूमि है, जिनको उनको अधिकार पर वन अधिकार पट्टा दिया गया है, उसमें महुआ अपना झिरिया गाँव के ग्रामीण आकर उसको कब्जा कर रहे हैं। इस बात को लेकर उनके साथ में राजेश यादव और जुगनू भैया मारपीट किया है। इस बात का रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर से हम लोग मारपीट का मामला यहाँ दर्ज किया गया है। आज झिरिया गांव के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आवेदन दे रहे हैं कि भाई उसे वो हमारे कब्जे की भूमि है, जिसमें हम लोग 5 साल तक से खेती किसानी कर रहे हैं, उसमें जिसमें सलगी और महुआ माचा के लोग आज जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, इसके आवेदन दे रहे हैं, उस पर उनको पक्ष के ऊपर भी संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें पुलिस क्या मांग की? वहीं प्रभारी के द्वारा बताया गया कि झिरिया के रहवासियों के द्वारा सलगी के पट्टाधारी किसान लखन सिंह के जमीन पर कब्जा करने को लेकर मारपीट में 2 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसकी जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात की गई है। हम लोग बहुत झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं और मारपीट घला दई ने मारपीट करके और चौकी रिपोर्ट कर लाई अपने रिपोर्ट करे हमारे ऊपर। इस चीज के लिए आपसे मारपीट किए? जंगल काबिज के लिए। तो आप लोग जंगल काबिज किए? कब तक के जंगल काबिज आप? हमारे पाँच छह साल हो गए सर। हमारे पुराना बिलासपुर जिला नहीं थे, तब के हमारे झगड़ा लड़े थे, मारपीट गलत काबिज के जंगल है। हाँ, बोला उन छोड़ाना चाहते हैं और अपन बाहर से आदमी बसाए कि हमारे जंगल छीनना चाहते हैं। हमारे तो लोग लैका है, हमारे हकला हम हुना दे देबो तो हम कहाँ जाबो? ये ना हो रहा कि हम नहीं देना चाहत हन हम। अभी आप लोगों को क्या चाहिए? हमारा पट्टा चाहिए सर। वही खुड़िया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत झलरी चेचड़ी कक्ष क्रमांक 494 पर एक
कथित पत्रकार और ग्रामीणों के बीच अतिक्रमण को लेकर मारपीट का मामला दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर पंचायत के सरपंच, वन समिति के अध्यक्ष सहित झलरी चेचड़ी के ग्रामीणों ने गुजारे के लिए वन भूमि के जमीन को अतिक्रमण से हटाए जाने की मांग किए हैं। पंचायत के द्वारा अवैध हो रहे कब्जे को हटाने के लिए गांव के सभी लोग पहल कर रहे हैं। इसमें ये गांव वालों का ये मांग है कि हमारे जो गुजर बसर गाय गरुआ चराने के लिए, गठान के लकड़ी के लिए, अपने जंगल को सुरक्षित रखने के लिए पहल कर रहे हैं, जिसमें कई लोग अवैध रूप से कब्जे करके खेती कर रहे हैं और ये समिति के लोग छुड़ाने के लिए कब्जे को जाते हैं तो इन्हीं लोगों के ऊपर उल्टा केस करके इन लोगों को फंसाने की धमकी दिया जाता है, साजिश किया जाता है। अधिकारी कर्मचारी वन अधिकार समिति के अध्यक्ष झलरी से हम लोग पूरे गांव वाले मिल के आए थे। जंगल में कुछ शिकायत मिला कि अवैध कब्जा कर रहे करके हटाने आए थे, तो उस दौरान माखन घिटलारे और उनके पिताजी और उनके दो बहन के द्वारा अवैध कब्जा कर रहे थे। उसके संबंध में हम लोग उनसे चर्चा किया तो वो लोग बोले कि यहाँ से जो नदी से डोंगरी तक का जगह मेरा है, मैं आप लोग को किसी को यहाँ। वन विभाग का वन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ, ग्राम झलरी का। कक्ष क्रमांक 494 में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है और हरा भरा झाड़ को काट काट के पूरा खेती कर रहे हैं और ट्रैक्टर से जुताई भी किया जा रहा है। किनके द्वारा काबिज किया गया है और किनके द्वारा हरा भरा पेड़ काटा जा रहा है? सर माखन घृत लहरे, पिता संतु घृत लहरे। बहरहाल आगे देखने वाली बात होगी कि लगातार अतिक्रमण से हो रहे विवाद को प्रशासन किस तरह सुलझाने में कामयाब होती है, यह तो उनके विवेक ऊपर निर्भर करता है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर की रिपोर्ट। बस देखते रहिए सीजी विजन टीवी।